भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदेव गौरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसे कि हम दो तीन दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान को पाना बड़ा कठिन होगा, भगवान को पाना बड़ा दुर्लभ है, भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि कृष्णा और हमारा संबंध क्या है, भला क्या अपनी माँ को पाना दुर्लभ है? जब चाहो गोद में चले जाओ। पिता को पाना दुर्लभ है? जब चाहो उसके पास चले जाओ। लेकिन उस रिश्ते की पहचान होनी चाहिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। ऐसे जब हम अपना श्री कृष्ण से संबंध पहचानते हैं, श्री कृष्ण से जब हम अपना संबंध पहचानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है, सब कुछ है श्री कृष्ण, कृष्ण मेरे पूर्ण है और मैं कृष्ण का अंश हूं, और मैं इस संसार में पता नहीं कैसे क्यों और कैसे गिरा हूं, ठीक है, लेकिन अब फिर से मुझे वापस अपने घर लौटना है, फिर से अपने घर लौटना है, मुझे फिर से कृष्ण के पास लौटना है। और जिस दिन हम ये फैसला कर लेते हैं कि अब मुझे अपने घर ही लौटना है और कहीं इधर उधर नहीं जाना, और गुरु महाराज इस बात का उपदेश भी देते हैं, जैसे हमारी माँ या हमारे पिता जब हम बचपन में किसी काम से भेजते थे या किसी के घर भेजते थे, ऐसे बोलते थे, रास्ते में इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधे वहीं जाना, इधर उधर कहीं मत जाना, सीधे उधर ही जाना। ऐसे व्यासासन से भी यही उपदेश है कि रास्ते में इधर उधर भटकना नहीं, सीधे अपने घर जाना, सीधे अपने घर जाना। जिस दिन हमको इस बात का ज्ञान हो गया, इस बात की रियलाइजेशन हो गई, एक बात ये सब समझ लो कि ये जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, या तो हमसे उनका मनोरंजन होता है या हमसे उनका टाइम पास होता है या हमसे उनका स्वार्थ पूरा होता है।
ये सब जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, इसका या तो हम मनोरंजन होता है, या एंटरटेनमेंट होता है, या टाइम पास हमारा होता है, इसलिए मंडली लगा के बैठ जाते हैं। उस उद्देश्य की किस कैसे टाइम निकले, अकेले हैं, घर में हैं, बूढ़े हैं, आप गोल मैदान में जाइए, बहुत सारे बूढ़े लोग जो घर में अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए एक मंडली बना लेते हैं। और वो मंडली में मैं देखता था, जब पहले गोल मैदान जाता था तो कभी नाश्ता भी लाते थे, कभी घर से कुछ बना के भी लाते थे, और आपस में ऐसे टाइम पास करते थे। लेकिन जिस दिन हमको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मुझे अपने घर लौटना है, उस दिन से हम टाइम पास करने के बजाय टाइम यूज करते हैं। समय का सदुपयोग करते हैं, और समय का सदुपयोग ये है कि जो भी समय मिले आपको किसी न किसी रूप से कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के भजन में, या अन्य किसी न किसी कृष्ण के संबंध से वक्त गुजारना चाहिए। कृष्ण सुलभ है, कृष्ण दुर्लभ नहीं है। कृष्ण सरल है, कृष्ण जटिल नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए बिल्कुल सरल है, कृष्ण अपने भक्तों के लिए बहुत सरल है। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अभी भी कहता हूं कृष्ण से वो रिश्ता जोड़ लो, कृष्ण मेरे पिता है ना, कृष्ण मेरी माता है ना, कृष्ण मेरे मित्र है ना, कृष्ण मेरे स्वामी है ना, कृष्ण मेरे हितेशी है, कृष्ण मेरा भला करने वाले हैं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये रियलाइजेशन, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों के लिए सुलभ हूं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते, मेरा भजन करते रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो कृष्ण के लिए सोचता, कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं, आराम से सिर्फ चिंतन करना है कृष्ण के लिए, सोचना है कृष्ण के लिए। और याद रखिए, कृष्ण ही भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का, सारे पूजा पाठ का एक भोक्त मात्र श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण। इसलिए हम श्री कृष्ण के लिए थोड़ा भी करते हैं, थोड़ा भी उनके लिए बहुत हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा कर दिया। भगवान के लिए थोड़ा भी करते, शबरी ने जूठे बेर खिलाए, भगवान के लिए बहुत हो गए। अरे बाप रे, इतना सारा कर दिया। क्योंकि भगवान दयालु है, कृष्ण कृपालु है, कृष्ण अति कृपालु। कृष्ण कितने कृपालु हैं समझिए, जहां आपकी सोच समाप्त हो जाती, हम जो सोचे ना, इतने भगवान कृपालु है, इतने कृष्ण कृपालु है, इतने कृष्ण कृपालु, हमारी सोच से भी परे उतने कृपालु है। ना होता, ये कृष्ण की कृपा का प्रमाण है कि कृष्ण कितने कृपालु है कि वो सुलभ है। आप मात्र कृष्ण के लिए सोचिए, वो आपके लिए सुलभ हो जाएंगे।
मैं जैसे कभी कभी कथा सुनाता हूँ, वृंदावन में एक मालिनी थी, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो जब श्री वृंदावन में मालिनी फल फूल इस प्रकार से रोज बेचने निकलती थी, देखिए कृष्ण कितने दयालु है। और मैंने कल भी कहा था, ये श्लोक मैंने नहीं कहा है, श्लोक साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूं, मां की गोद बच्चे के लिए हमेशा सुलभ होती है, ऐसे राधा वृंदावन चंद्र के चरणारविंद आपके लिए सदैव सुलभ है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरण आपके लिए सदैव सुलभ है, कोई दुर्लभ नहीं है। मत ऐसे चिंता मत करना, डरना मत, कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या बनेगा कैसे होगा, चिंताएं मत करना, बस जितना हो सके अपने श्याम सुंदर के लिए अपना भजन किए जाओ, सेवा किए जाओ, भक्ति किए जाओ, सुनते जाओ, कथा सुनो, कीर्तन करो, भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, कृष्ण के लिए बहुत हो जाता है। पता आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे एक वो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक कांच होता है जो बड़ा बड़ा बताता है, मैग्निफाइड ग्लास, मैग्निफाइड ग्लास जो है वो थोड़ी चीज को भी बड़ा दिखाता है, आपने देखा होगा ना मैग्निफाइड ग्लास, वो थोड़े अक्षरों को भी बड़ा बड़ा दिखाता है, छोटे अक्षरों को भी बड़ा बड़ा। ऐसे भगवान राधा वृंदावन चंद्र की नजरों में उस प्रकार की करुणा है, उनके उनके नेत्र श्री नेत्र, उनके नेत्रों में ऐसी करुणा है, आप थोड़ा भी करते हो उनको बहुत दिखने लगता है, आप थोड़ा करते हो उनको बहुत दिखने लगता है, उनकी नजरें ऐसी है। और जगन्नाथ जी की नजरें देखो ऐसी बड़ी बड़ी है, वो अपने बड़े बड़े नेत्रों से, और ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि ठाकुर जी की पलके क्यों नहीं है जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी की पलके क्यों नहीं है, जगन्नाथ जी की पलके इसलिए नहीं है कि वो 24 घंटे एक क्षण भी ऐसे पलके झुकाए बिना अपने भक्तों पे दया दृष्टि डालते रहते, अपने भक्तों पे दया दृष्टि डालते रहते, अपने भक्तों पे। देखिए यहां व्यक्तिवाद तो है ही नहीं, यहां तो ठाकुर जी है, श्यामा श्याम जी है और उनका नाम है। और मैं हमेशा कहता हूं, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा गोविंद। इसलिए मैं हमेशा आपको अभी एक नया फार्मूला आपको समझा दिया, हमेशा 10-15 मिनट में, हमेशा 10-5 मिनट में ये प्रार्थना करो, हे मेरे गोविंद मैं आपको न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको ना भूलूं। पता नहीं अंत समय मेरी कैसी बुद्धि हो जाए, पता नहीं अंत समय मैं कोमे में जाऊं या फुल स्टॉप में जाऊं, लेकिन हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, क्योंकि आपको याद करने में ही मेरी जीवन की सफलता है, आपका स्मरण करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जब मैं आपका स्मरण करूंगा तो यहां से मुस्कुराता हुआ लौटूंगा, मुस्कुराता हुआ लौटू, जब मैं आपका कीर्तन करूंगा, जब मैं आपका भजन करूंगा, अनन्य भाव से आपको पुकारूंगा, हे मेरे नाथ
मैं यहां से मुस्कुराता हुआ जाऊंगा। इसलिए मालिनी श्रीधाम वृंदावन में देखो, ये सुनने से भी आपका कल्याण हो रहा है। कृष्ण ऐसे दयालु है। मैंने कहा ना, उनके नेत्र मैग्निफाइड ग्लास जैसे हैं, थोड़ा भी करो तो उनको ज्यादा लगता है, थोड़ा भी करो तो उनको ज्यादा लगता है, थोड़ा भी करो तो उनको ज्यादा लगने लगता है। कुब्जा जो कुबड़ी थी, करूपा थी, कुअंग थी और साथ साथ कंस की दासी थी, रोज कंस के लिए चंदन घंस के, चंदन का लेप कंस के लिए ले जाती थी, कंस के लिए ले जाती थी चंदन का लेप बनाकर कुब्जा। श्याम सुंदर जब श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हुए एक दिन मथुरा पहुंच जाते हैं, मथुरा में पहुंचते हैं तो समझा रहा हूं, आप थोड़ा भी करोगे ना कृष्ण के लिए बहुत हो गया। अरे वाह, क्यों? हम उनके बच्चे हैं, और हमारा रोना, हमारा धोना, हमारा हंसना, हमारा गाना सब कृष्ण के लिए है। हमारा पूरा हमारा आप माताओं का और आप सज्जनों का पूरा दिनचर्या, जो दिन की एक्टिविटीज है वो सब कृष्णमय होनी चाहिए। अभी जाके आप प्रसाद पकाओगी, फिर ठाकुर को भोग लगाओगे, फिर दोपहर का महाप्रसाद पकाओगे, फिर भोग लगाओगे। अब आप कहोगे हमारे घर में ऐसे राक्षसी लोग हैं, मंदिर नहीं रखने देते हैं भगवान के विग्रह, तो भाव तो है ना आपका, भाव से आप कुछ भी कर सकते हो कृष्ण के लिए। इसलिए जब श्याम सुंदर मथुरा में प्रवेश करते हैं तब उनके बाल सखा, जो भी कृष्ण के सखा है, वो देखते हैं कि वहां धोबी का संहार किया जैसे आई लीला, और धोबी का संहार करने के पश्चात जो कंस के राजा के ऐसे रेशमी बहुत महंगे महंगे कपड़े सूख रहे थे, वो सब बाल सखाओं ने और श्याम सुंदर ने धारण कर लिए। अब कहां कंस इतना लंबा चौड़ा, और कहां ठाकुर जी और उनके बाल सका छोटे छोटे बालक। अब किसी की आस्तीनें लंबी हो रही है, किसी के पांचे लंबे हो रहे हैं, किसी के ये दुपट्टे लंबे लंबे हो रहे हैं, और ऐसे कपड़े पहन कर ऐसे में एक दर्जी जो कपड़े सीता था। देखो ठाकुर की कोई भी सेवा करो, राधा वृंदावन चंद्र की कोई भी सेवा करो, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और याद रखना, जिस दिन आपको राधा वृंदावन चंद्र की सेवा मिले ना, आप समझ लेना आज मेरा सेवा में अपॉइंटमेंट हो गया, वाह अपॉइंटमेंट हो गया मेरा। जैसे हमें कोई बहुत बड़ी जॉब लगती है तो हम कैसे खुश होके आते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया फलानी 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 फर्म में, तो इससे बड़ी क्या नौकरी है, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, इससे बड़ी नौकरी क्या है। इस नौकरी में आदमी कहां से कहां पहुंचता था, मैं फुटपाथ पे बैठता था, राधा वृंदावन चंद्र ने आसन पे बिठा दिया। ये इस